हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्लावर गार्डनिंग। आज हम ये कंपोस्ट बना रहे हैं घर में किचन वेस्ट से, और बहुत अच्छी खाद बनती है इसकी। गार्डनिंग के लिए ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि प्लांट्स बहुत अच्छे हो जाते हैं इससे, और घर पे ही आपको बनाना है, कहीं से कुछ भी लाना नहीं है एक्स्ट्रा। तो ये घर पे ही आपका बन जाएगा बिना कोई एक्स्ट्रा खर्चा करे हुए। ये देखिए, उसमें सबसे पहले आपको कोई कंटेनर लेना है, या आप बाल्टी ले सकते हैं, या फिर और बड़ा आपके पास कोई हो। ये तो हमारी बाल्टी है, ये पेंट वाली बाल्टी है जो आती है, तो ये रखी हुई थी मेरे पास। तो इसमें हमने नीचे पहले एक लेयर मिट्टी की डाली है, उसके बाद हमने किचन वेस्ट डाला हुआ है। किचन वेस्ट में आपका जो भी निकलता है, छिलके जो निकलते हैं, आपके सब्जी की कटिंग निकलती है, और फ्रूट्स की है, बाकी सब भी है। जो जैसे आप देखते हैं कि ये लहसुन का छिलका रखा हुआ है, ये इसमें देख लीजिए आप, बहुत कुछ है पड़ा हुआ। लहसुन का है, प्याज है, फ्रूट्स का है, आलू है, आलू भिंडी सब्जी जितने भी कटिंग निकलती है उसकी, ये सब है। एक साथ हम इकट्ठा करके इसमें डाल देते हैं डेली का जो होता है, और इसको डालने के बाद हम मिट्टी डालने वाले हैं इसके ऊपर से। तो ये मिट्टी से आपको इसे ढकना है। ये देखिए, मिट्टी से पूरी अच्छी तरह से ढक गया है। अब इसमें हम पानी डालने वाले हैं। ये देखिए, अब इस तरह इसको गीला कर दिया है। अब इसको छोड़ देंगे और कंटेनर इसी तरह भरते जाएंगे। इसमें और मिट्टी डालने के बाद ऊपर से फिर वेस्ट डाल के फिर से मिट्टी डालना है, और इस तरह से पूरी बाल्टी भर जाएगी। फिर आपको इसको छोड़ देना है, काफ़ी टाइम लगेगा, 2-3 मंथ्स लग सकते हैं। तो रखे रहने दीजिए, और जब आप देखेंगे तो फिर आप खाद बन जाएगी ये सड़ के, और काफ़ी अच्छी खाद बनती है। और ये देखिए, हमने पहले से बना के रखी हुई है। ये देखिए, ये बहुत अच्छी खाद बनी हुई है। ये देखिए, आप देख रहे होंगे बिल्कुल ब्लैक कलर है और अच्छी तरह से सड़ गया है। और इसमें मिट्टी भी मिली हुई है क्योंकि, और खाद भी मिली हुई है, तो आप इसको ऐसे ही डाल सकते हैं। ये देखिए, हमने ये बाल्टी में भर के रखा हुआ है बनाने के लिए, और ये वाली थोड़ी पुरानी है पर अभी है, बन रही है, अभी बनी नहीं है। इसको 1 मंथ हुआ होगा आई थिंक। तो आप भी ऐसे घर पे बना सकते हैं, और किचन वेस्ट से ही, तो बनाइए और ये सारी गार्डनिंग कीजिए।